मुझे बताइए भाइयों बहनों, किसान को पानी चाहिए, क्या इन सरकारों की जिम्मेवारी नहीं थी कि पानी का प्रबंध किया जाए, वर्षा का एक बूंद बूंद पानी अटकाया जाए, पानी बचाया जाए और पानी बचा करके यहां के लोगों के भाग्य को बदलने के लिए कुछ काम किया जाए। आप हैरान होंगे, मैंने आकर के 99 योजनाएं ऐसी खोज के निकाली जो बिल्कुल इसका कोई मालिक ही नहीं था। पानी की संभावनाएं थी लेकिन पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं थी। करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपया की लागत से इन 99 योजनाओं को हमने फिर से आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उसमें 5 तो कर्नाटक की है और 1 तो आपके जिले की रामेश्वर प्रोजेक्ट भी है, आपके जिले का है। क्योंकि हमें मालूम है अगर पानी का प्रबंध ठीक हो तो किसान को किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है। आप उस बात को नहीं कर, खाद यूरिया के लिए किसानों को 2-2 रात तक कतार में खड़ा रहना पड़ता था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली चिट्ठियां लिखनी पड़ती थी, डेलीगेशन लेके जाना पड़ता था। कुछ राज्यों में यूरिया लेने के लिए किसान लाइन लगा के खड़े रहते, हुड़दंग होता था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता था। आज 4 साल से हम बैठे हैं, मेरे किसान भाई यहां बैठे, आप मेरे साक्षी हैं, क्या देश में कभी भी यूरिया की कमी है ऐसी कोई खबर आपने पढ़ी है? समय पर यूरिया पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? कारण क्या? कारण कांग्रेस की बेईमानी जिम्मेवार है। कांग्रेस के राज में किसानों के नाम पर यूरिया, किसानों ने नाम पर यूरिया की सब्सिडी और किसानों ने नाम पर पैसे जाना, लेकिन यूरिया जाता था धन्ना सेठों के यहां, केमिकल फैक्ट्रियों में जाता था। और कांग्रेस की और धन्ना सेठों का गठबंधन इतना पुराना है, इतना तगड़ा है कि किसानों के नाम पर बिल फटते थे और मौज धन्ना सेठ केमिकल फैक्ट्री में यूरिया में से दूसरी चीजें बना करके बाजार में बेचते थे। हमने आकर के देखा ये पाप नहीं चलेगा, किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमने रास्ता निकाला, हमने 100% यूरिया का नीम कोटिंग करने का निर्णय कर लिया। अब यूरिया का नीम कोटिंग करने के कारण ये जो नीम की फली होती है उसका तेल निकाल करके यूरिया में मिक्स कर दिया। नीम कोटिंग करने के कारण अब यूरिया कोई केमिकल फैक्ट्री वाले के काम नहीं आ सकता है, कोई चोरी नहीं हो सकती, बेईमानी नहीं हो सकती। अब वो यूरिया सिर्फ और सिर्फ धरती पर किसान को फसल के लिए ही काम आ सकता है। चोरी गई कि नहीं गई, बेईमानी गई कि नहीं गई, भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया, किसानों के नाम पर झूठ चलाया जाता था बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ हमारे दिल में किसान के प्रति सद्भावना संवेदना पड़ी हुई है और इसलिए इस काम को हम कर रहे हैं। सोयल हेल्थ कार्ड किसान को पता तक नहीं था कि सोयल हेल्थ कार्ड होगा तो क्या होगा, वो तो बेचारा बगल वाला लाल डिब्बे वाली दवाई डाले तो वो भी लाल डिब्बे वाली दवाई डालता था, बगल वाला पीला पाउडर डाले तो वो भी पीला पाउडर डालता था, बगल वाला गन्ने की खेती करे तो वो भी गन्ना लगाना शुरू करता था, बगल वाला टमाटर लगा दे तो वो भी टमाटर लगा देता था। उसे मालूम नहीं था उसकी जमीन में क्या ताकत है, उसकी धरती माता क्या काम की है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। सॉइल हेल्थ कार्ड दिया हमने, उसे किसान को पता चलने लगा कि मेरी धरती में ये पैदा हो सकता है,
ये पैदा नहीं हो सकता है, मैं मेहनत करूंगा तो भी कमा नहीं सकूंगा। और आज मेरे किसान वैज्ञानिक तरीके से कौन सी फसल कहां पैदा करना उसका निर्णय कर पा रहे हैं, और मेरे किसान अपने जरूरी पैदावार करने लगे हैं। भाइयों बहनों, पैदावार हुई, किसान को दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बातें बहुत की। स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट सालों से कांग्रेस की सरकार ने अलमारी पर चढ़ा करके रख दिया था और भाषण दे रहे थे। हमारी सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट निकाला और हमने तय किया कि किसान की जो लागत होगी उसको जो खर्च होगा, अरे परिवार के लोग भी जो खेती में काम करेंगे उसको भी लागत माना जाएगा, उसको भी खर्च में गिना जाएगा। किसी के किराए से ट्रैक्टर लाया वो भी खर्च गिना जाएगा, और किसान जो भी खर्चा करेगा एमएसपी डेढ़ गुना तय की जाएगी ताकि कभी किसान को रोने की नौबत ना आए। ये काम हमने किया है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई, फसल बोने का समय आया हो, बारिश हुई नहीं, किसान ने सब तैयार करके रखा, खेत जोत के रखा, बीज खरीद के रखे, मजदूर ला करके रखे, सब किया, बारिश आई नहीं। अब कोई कह सकता है फसल तो खराब हुई नहीं, लेकिन क्या किसान भूखा मरेगा क्या? हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ऐसी लाए कि सब तैयारी की, लेकिन अगर बारिश नहीं आया तो भी उस किसान को फसल बीमा का पैसा मिलेगा। भाइयों, पहली बार देश में यह हुआ है। हमने ये भी कहा कि फसल तैयार हो गई, खेत में फसल काट करके उसका ढेर कर दिया गया, अब ट्रैक्टर आने वाला है, ट्रक आने वाली है, बाजार जाने की तैयारी हो रही है, और अचानक बारिश आ गई, अचानक आंधी आ गई, खराब हो गया। हमने कहा फसल काटने के 15 दिन के अंदर अगर माल खेत में पड़ा है और अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसको भी फसल बीमा का पैसा दिया जाएगा। भाइयों, ये काम हमने किया।